नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर के हरिजन टोला में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड टीम ने पाया आग पर काबू। डीएम के साथ कमिश्नर ने किया क्षेत्र का भ्रमण। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर प्रतिनिधि और बीएलओ के साथ की बैठक। नवगछिया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, लूटकांड मामले में अपराधी गिरफ्तार, हथियार और गोली बरामद। और जीएसटी टीम ने कोचिंग संस्थान में की छापेमारी, संचालकों में हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से भयानक आग लग गई। घटना मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर हरिजन टोला की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कैलाश नामक शख्स के घर में अचानक जोरदार धमाका होने के बाद आग लग गई। वहीं लोगों का कहना है कि कैलाश अवैध रूप से केरोसिन तेल का बड़े पैमाने पर कारोबार करता था और मुजाहिदपुर थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर हो रहे केरोसिन तेल के अवैध कारोबार की भनक पुलिस को भी नहीं थी। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया, जबकि इस आगजनी की घटना में आसपास के आधा दर्जन घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों ने करीब 2 घंटे तक आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की तेज लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। वहीं लोगों का कहना था कि शहर के रिहायशी इलाके में केरोसिन तेल का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार बिना पुलिस की मिलीभगत के नहीं हो सकता है और इस घटना के जिम्मेदार पुलिस भी है। इधर आग लगने की सूचना मिलने पर मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे, जबकि घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आधा दर्जन दमकल की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि अवैध केरोसिन तेल का कारोबार करने वाला कैलाश घटना के बाद से फरार है, जबकि इतनी बड़ी घटना के बाद भी जिले के कोई वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, जिससे लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि गनीमत यह है कि इस हादसे में किसी के जान माल की क्षति नहीं हुई, जबकि एक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस पूरी घटना पर फिलहाल किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सर, हम लोग कमाने गए थे, हम लोग घर में थे नहीं। जब आग लगा तो हम लोग आए दौड़ करके। आने के बाद देखते हैं पूरा आग पूरा फैल रहा है और आग। हाँ, घटना की सूचना कब मिली आप लोग? सर, हमको 1.5 घंटा के बाद मिला है। डेढ़ घंटा के बाद क्या लगता है क्या कारण है आग लगने? सर, तेल से आग लगा है। तेल से आग लगा इनके घर में आग लगा है जो कैलाश शाह है जी। उनके परिवार वालों का कहना है क्या कि सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी है? हाँ। अभी तो हम लोग देखे नहीं है सर क्या लगा है। तेल का व्यवहार करते थे। भागलपुर के सिकंदरपुर हसनगंज हरिजन टोला में आज सुबह जो है भीषण आगजनी की घटना हुई। आगजनी को लेकर के बताया जा रहा है कि जो है यहाँ पर के जो राजेंद्र शाह हैं और कैलाश शाह हैं, ये लोग तेल का व्यापार करते थे। लेकिन परिजनों की माने तो परिजनों का कहना है कि ये आगजनी की घटना सिलेंडर ब्लास्ट हुई है। लेकिन देखा जाए, आप हमारे पीछे साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंट्रोल जो है केरोसिन तेल का जो है वो यहाँ पर टैंक रखा हुआ है और जो है आगजनी की घटना जिसके कारण हो गई। हालांकि परिजन इससे अभी परहेज कर रहे हैं, कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रहे हैं। क्या वजह होगी इसके बारे में अभी किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि जो कैलाश शाह हैं, जिनके घर में ये आगजनी की घटना हुई है, ये अवैध रूप से तेल का व्यापार करते थे। भागलपुर से सिल्क टीवी के लिए ईशुराज। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे गुरुवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और कई पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र भ्रमण के लिए शाहकुंड प्रखंड के कस्बा खेरही पंचायत भवन पहुंचे। इस दौरान कमिश्नर दयानिधान पांडे ने जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एडीएम मेहताब आलम, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, प्रखंड के बीएलओ एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर संयुक्त बैठक की। बैठक में आयुक्त ने सभी बीएलओ और जनप्रतिनिधियों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने और नाम हटाने को लेकर जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि कमिश्नर ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान शाहकुंड के कस्बा खेरही पंचायत भवन में
मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि 1 जनवरी 2023 को जिनका 18 वर्ष पूरा हो जाएगा वह अपना प्रपत्र का फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को दे, जिससे उनका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया 1 माह तक चलेगी। मौके पर शाहकुन और सुल्तानगंज बीडीओ, कृषि पदाधिकारी, थाना प्रभारी सहित कई विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। सूची है, उसमें जो नए लोग हैं उनका नाम जुड़ता है और जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जो अन्य जगह पर चले गए हैं अपना घर चेंज करके या शादी विवाह के कारण, तो उनका नाम हटता है। तो ये पूरी जो है प्रक्रिया चलती है। तो स्पेशल रिवीजन के दौरान जो आयुक्त महोदय होते हैं वो ऑब्जर्वर होते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो वो रैंडम जाकर के किसी भी गांव में या किसी मोहल्ले में देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है, वहाँ कितने लोगों का नाम जुड़ा है, कितने लोगों का छूटा है, या कहीं कोई समस्या है। राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से भी बात होती है। तो उसी क्रम में आज उनका पहला विजिट था और उन्होंने शाहकुंड प्रखंड जो सुल्तानगंज विधानसभा में है उसके इस पंचायत का उन्होंने चयन किया, आकर के उन्होंने देखा। तो ये अभी 1 महीने तक चलेगा और इसमें मेरी सभी लोगों से अपील है कि जिनका 1 जनवरी 2023 को 18 साल होने जा रहा है वो सभी लोग अपना आवेदन पत्र अपने बीएलओ को दे दें और उनका आवेदन पत्र ऑनलाइन करके उनका नाम जो है अगली जो सूची निकलेगी निर्वाचक सूची उसमें जोड़ दिया जाएगा। नवगछिया में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए लूट मामले का उद्भेदन नवगछिया पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। पहली घटना जहानवी चौक विक्रमशिला पुल के पास की बताई जा रही है, जिसमें 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति से बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके लिखित शिकायत पीड़ित अभिषेक कुमार मिश्रा ने इस्माइलपुर थाने में आवेदन देकर की थी। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि अनुसंधानकर्ता टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटी गई बाइक को विक्रमशिला पुल के पार भागलपुर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र से लावारिस हालत में बरामद किया, जबकि फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी घटना भागलपुर पकड़ावासा थाना क्षेत्र कदवा निवासी ई रिक्शा चालक पूरन कुमार से अपराधियों द्वारा रिक्शा चालक को बंधक बनाकर उसका रिक्शा छीन लेने का है। एसपी ने बताया कि पूरन कुमार अपना रिक्शा लेकर घर जा रहे थे, तभी रास्ते में श्रीपुर गांव के पास विपरीत दिशा से आ रहे सफारी गाड़ी से उतरे अपराध कर्मियों ने हथियार का भय दिखाकर उसका ई रिक्शा छीन लिया और इसके बाद पूरन कुमार को भी अपने सफारी गाड़ी में बैठाकर खगड़िया की ओर लेकर चला गया, जबकि पसराहा थाना के समीप उसका हाथ पैर बांध कर सड़क के किनारे उसको फेंक दिया गया। एसपी ने बताया कि नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा टीम गठित कर 24 घंटा के अंदर लूटी गई रिक्शा को नारायणपुर नफटोलिया से बरामद कर लिया गया, जबकि घटना में प्रयुक्त किए गए सफारी गाड़ी के साथ सफारी गाड़ी के चालक गुलशन कुमार को भी एक देशी कट्टा एवं 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा तीसरी घटना कछुआ जलकर के पास की है, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार 5 व्यक्ति ने मछली मारकर आ रहे मछुआरों को धमकी दी थी, जिसके बाद प्राप्त सूचना के आधार पर नदी थानाध्यक्ष एवं झंडापुर सशस्त्र बल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एसपी ने बताया कि इस दौरान पुलिस बल को देखकर भाग रहे 3 बदमाशों को खदेड़ कर पुलिस ने दबोच लिया, जिसकी पहचान नफटोलिया थाना झंडापुर निवासी मंतोष कुमार यादव, अंबिका यादव, बलजीत कुमार के रूप में हुई है, जबकि उन सबके पास से एक लोडेड देशी कट्टा, एक नकली पिस्टल एवं एक मोबाइल बरामद किया गया है। शुरुआत में करता हूं इस्माइलपुर थाना में। इस्माइलपुर थाना में 2 तारीख को, इसी महीने के 2 तारीख को एक मोटरसाइकिल लूट ली गई थी। हालांकि वो गाड़ी लावारिस अवस्था में 0 माइल से बरामद हुआ है, लूटी गाड़ी बरामद कर ली गई है, अभी उसका पहचान हो गया है, उसे हम लोग गिरफ्तार भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत जल्द गिरफ्तार हम लोग कर लेंगे। दूसरा, अभी 14 तारीख को जो टाउन थाने में सिरपुर के पास एक टोटो गाड़ी छीन करके ड्राइवर को पसराहा में बांध के फेंक दिया गया था। इसी प्रकार पहले भी कुछ, मतलब आपका पिछले महीने क्या कहते हैं, खगड़िया थाना में, खगड़िया जिला में एक टोटो की लूट हुई थी, उसके ड्राइवर को मेरे यहाँ छोड़ दिया गया था। तो हम लोग जब ये घटना घटी हमारे यहाँ, तो ये हमें पूरा ये विश्वास हुआ कि कहीं ना कहीं कॉमन गैंग है जो खगड़िया और ये नवछिया में कर रहा है। तो हम SDPO के नेतृत्व में टाउन थाना प्रभारी भूषण, वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है हरशंकर कश्यप जो IO है, और भवानीपुर थाना प्रभारी है ना रमेश शाह, और तकनीकी शाखा के पदाधिकारी, टीम का गठन किया गया। टीम ने बेहतरीन काम किया, 24 घंटे के अंतर्गत कांड का उद्भेदन किया, लूटी हुई टोटो बरामद किया, और जो गाड़ी जो स्कॉर्पियो
प्रयोग में आया था वो बरामद हुआ। और ये गुलशन कुमार झा, पिता अरुण झा, साकी नारायण पुंड टोलिया, एक देसी कट्टा, दो जो कारतूस आदि गिरफ्तार भी किया गया। भागलपुर खंजेपुर स्थित संजीवनी कोचिंग संस्थान में वाणिज्य कर विभाग की ओर से छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि विभाग को कोचिंग संस्थान के द्वारा टैक्स जमा नहीं करने की सूचना मिली थी और इसी को लेकर गुरुवार को विभाग की कई टीमों के द्वारा सुबह के समय कोचिंग संस्थान पर दबिश दी गई। इस दौरान छापेमारी टीम के द्वारा संजीवनी कोचिंग के सारे कागजातों की जाँच की गई। इसको लेकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई सालों से कोचिंग के द्वारा टैक्स जमा नहीं किया गया था, जिसके कारण कोचिंग में रेट की गई है। जीएसटी की जांच हो रही है। क्या सूचना मिली? सूचना मिली कि बहुत बड़े पैमाने कोचिंग चलता है लेकिन वो अपना जीएसटी टैक्स प्लस नहीं आता है। क्या लगा? हाँ, पता है कि पता चला है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन आज तक ये अभी तक टैक्स जीएसटी में नहीं पे किए हैं। अच्छा सर, इसमें उसी पर विशेष क्या कार्रवाई? अगर मान लिया जाए कि गिल्टी मिलते हैं तो क्या? गिल्टी होने पर क्या कार्रवाई? अगले आदेश तक कानूनी कार्रवाई की सारे डेटा एकत्र करने के बाद फाइन का भी प्रावधान है क्या? हाँ बिल्कुल। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए तिलक टीवी। ज्योति नर्सिंग होम नाथनगर में स्त्री रोग एवं जनरल सर्जरी आयुष्मान भारत के तहत सब सारे लाभार्थियों का निःशुल्क दूरबीन एवं जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अन्वेषा स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, साथ में लैप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जरी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। होटल अपोलो, हियर एवरी क्यूबिक स्पेस इज अ मिरेकल। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत वासुदेवपुर पंचायत के उर्दू प्राथमिक विद्यालय गौरव में प्रधान अध्यापक आफताब आलम द्वारा विद्यालय में पठन पाठन एवं बच्चों को सरकारी लाभ नहीं देने के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा करते हुए विद्यालय में तालाबंदी कर दी। इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि 3 साल से उर्दू प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर आफताब आलम पदस्थापित है लेकिन ना तो यहाँ पठन पाठन की व्यवस्था ठीक है और ना ही बच्चों को सरकारी योजनाओं का उचित लाभ मिल पाता है। ग्रामीणों ने कहा कि इसकी जानकारी जिला अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को लिखित आवेदन के माध्यम से दे दी गई है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण विद्यालय में तालाबंदी की गई है। साथ ही लोगों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक प्रधान अध्यापक आफताब आलम का तबादला नहीं होगा तब तक विद्यालय में तालाबंदी रहेगी। करता है क्या मनमानी करता है? मनमानी क्या, कुछ आएगा तो ग्रामीण को सूचना नहीं देता है और रख रखाव का जो आता है ना, जो राशन पानी का पैसे, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं करवाता, अपना मर्जी से पैसा उठाता है, कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ उसका कोई अभी तक हिसाब नहीं हुआ है। अभी 50,000 आया है, बच्चा को मिलता है कि नहीं? बच्चे को मिला है अभी तक, हमको कोई जानकारी नहीं है। कुछ नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला हमको कोई जानकारी देगा तभी ना सर हम जानेंगे। आप क्या है? सच अध्यक्ष है। कौन सा विद्यालय में पढ़ते हो? गौरा। गौरा उर्दू विद्यालय में? हाँ। पढ़ाई नहीं होता है? नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। किताब भी देता तो वापस ले लेता है किताब। खाना पीना नहीं बढ़िया खिलाता है? नहीं। कौन है हेडमास्टर? अफताब सर। बिहार के भागलपुर JLNMCH अस्पताल में भागलपुर समेत के जिलों के मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं लेकिन यहां पर स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के कारण आए दिन मरीजों को इसका दंश अपनी जान गंवाकर झेलना पड़ता है। गुरुवार को एक ऐसा ही मामला मायगंज अस्पताल में देखने को मिला जब एक इनकम टैक्स विभाग के कर्मी बिहार चंद्र ठाकुर की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मायगंज अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई।
इसको लेकर बताया जा रहा है कि जब बिहारी चंद्र ठाकुर की स्थिति में सुधार नहीं आई तो उनके पुत्र पवन कुमार ठाकुर ने पिता को दूसरे अस्पताल में ले जाने की बात कही, लेकिन यूनिट के सीनियर डॉक्टर ने 2-3 दिन में ठीक हो जाने की बात कहकर दूसरे अस्पताल नहीं जाने की बात कही। वहीं पवन कुमार ठाकुर ने जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन अपने यूनिट में मरीज को रखने की बात कहकर वो एक बार भी अपने यूनिट में उन्हें देखने नहीं आए, जिससे उनके पिता की हालत बिगड़ती गई और इस कारण उनकी मौत भी हो गई। इधर इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने मायगन अस्पताल में घंटों बवाल काटा और स्थिति में सुधार नहीं होने पर दूसरे अस्पताल नहीं जाने देने और यूनिट में खुद जाकर बिहारी चंद्र ठाकुर का इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर हेमशंकर शर्मा को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार बताया। साथ ही इस तरह की घटना में डॉक्टरों की लापरवाही के लिए भी कानूनी स्तर पर कार्रवाई करने की मांग पीड़ित परिवार ने की। तो यहाँ पे पापा को लाया गया था 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले पापा को लाया गया था सोमवार के दिन। तो फिर उसके बाद हेमशंकर शर्मा की यूनिट में भर्ती लिया गया। वहाँ पे गए तो हेमशंकर शर्मा बोले कि मेरे यहाँ यूनिट में भर्ती कर दीजिए, 3-4 दिन रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। पापा को डायबिटीज के पेशेंट थे, बोले डॉक्टर कि ठीक हो जाएंगे। हम लोग पापा बोलने लगे कि नहीं रहेंगे हम यहाँ पे, तो हम लोग जाने लगे बाहर में निकल के। फिर डॉक्टर साहब बोले कि 3 दिन मेरे यहाँ रहने दीजिए यूनिट में और ठीक हो जाएंगे। उसके बाद इमरजेंसी में भर्ती किए तो हेमशंकर शर्मा खुद से एक बार भी नहीं आए पापा को देखने के लिए, हमेशा उसका जूनियर आते रहा। आज क्या हुआ? आज सर पापा का 5:30 बजे से बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया। उसके बाद जब गया डॉक्टर को बुलाने के लिए तो डॉक्टर सिर्फ भाप बोला, वो दवाई लिख दिया और बोला कि अभी नहीं जाएगा डॉक्टर, तो 10 बजे के बाद यूनिट का डॉक्टर आएगा तब चेकअप के लिए जाएगा, अभी कोई नहीं जा सकेगा। नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्ण नवगछिया के कोसी पार पंचायत खैरपुर कदवा पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत में चल रही योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वीडियो पंचायत की सभी योजनाओं की जांच करते हुए पंचायत के विद्यालयों में भी गए। वहीं इस दौरान खैरपुर कदवा के प्राथमिक विद्यालय चाय टोला पहुँचते ही उन्होंने विद्यालय के कार्यालय के सामने रंगीन पेंट से कार्यालय लिखा देखा, जिसके बाद वीडियो ने स्कूल के प्रधानाध्यापक पवन कुमार से सवाल जवाब किया और इस पर प्रधानाध्यापक ने किसी बच्चे द्वारा लिखे जाने की बात करते हुए इसे सुधारने की बात कही। इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने विद्यालय के एक शिक्षक से 50 में 2 से भाग देने को कहा, जिसे उत्तर देने में शिक्षक ने काफी विलंब कर दिया। जबकि इसके अलावा भी वीडियो ने शिक्षक से कई आसान सवाल किए जिसका सही जवाब शिक्षक नहीं दे सके और इसे देख पदाधिकारी काफी असंतुष्ट दिखे। इधर इस सारी गतिविधियों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर सुशासन के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा मध्य विद्यालय में वीडियो को स्कूल के एक कमरे में हाथ रखा दिखा, जबकि विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन को देखकर भी वीडियो ने नाराजगी जाहिर की। हुआ है उसका कुछ अंश देखने को मिला, इससे पता चलता है कि हेडमास्टर असंतुलित अवस्था में है, वो अपना संतुलन खो बैठे हैं। जानते हुए भी, विषय वस्तु को जानते हुए भी वो गलत कर रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं। 50 में सर 2 से भागा नहीं दे पा रहे हैं, जैसा कि उसमें देखा हमने कि 50 में 2 से भागा नहीं हो रहा है, 100 में 4 से भागा नहीं दिया जा रहा है, तो नहीं दे पा रहे हैं भागा, इसमें क्या समझा जाए? उनकी अयोग्यता समझी जाए कि घबराहट समझी जाए, हड़बड़ाहट समझी जाए? अब इसका विधिवत निरीक्षण करके इसको प्रतिवेदित करेंगे, उसको उजागर करेंगे, उसको सामने लाएंगे कि आखिर क्या बात, ऐसा क्यों हो रहा है। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र के पिंतोंजिया गांव में एक किसान की हत्या जमीन विवाद से जुड़े विवाद में कर दी गई। बताया जा रहा है कि गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंतोंजिया वहियार में जमीन विवाद को लेकर सरसों बुआई करने के दौरान दो पक्षों में विवाद पड़ गया और हाथापाई के बाद 65 वर्षीय किसान राजेंद्र चौरसिया की गुरुवार को हत्या कर दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गोगरी थानाध्यक्ष विभा कुमारी और दरोगा रंजीत कुमार दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जाँच शुरू
शुरू कर दी। इधर मृतक के परिजनों का कहना है कि केंद्र चौरसिया अपने खेत पर सरसों की बुआई कर रहे थे, तभी उनकी गोतिया के कई लोगों ने खेत पर पहुंचकर सरसों बुआई करने से मना कर दिया। परिजनों ने कहा कि इसी दौरान वृद्ध किसान के साथ दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा हाथापाई और मारपीट शुरू कर दी गई, जिसमें वृद्ध राजेंद्र चौरसिया की मौत हो गई, जबकि इसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों का बयान कलमबद्ध कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई। इसको लेकर गोगरी SDPO मनोज कुमार ने कहा कि जमीन विवाद में किसान की हत्या होने की बात सामने आई है और घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर के हरिजन टोला में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड टीम ने पाया आग पर काबू। DM के साथ कमिश्नर ने किया क्षेत्र का भ्रमण, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर प्रतिनिधि और BLO के साथ की बैठक। नवगछिया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, लूटकांड मामले में अपराधी गिरफ्तार, हथियार और गोली बरामद। और GST टीम ने कोचिंग संस्थान में की छापेमारी, संचालकों में हड़कंप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।